शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप लोग गए नहीं अभी तक? कहीं आपको इसका इंतजार तो नहीं था? रुकिए, आज से इस लड़की का नाम हवेली में कोई नहीं लेगा। मर चुकी है ये हमारे लिए। मेरी बेटी अकेली नहीं है, उसका ये बाप जिंदा है और मेरे जीते जी मेरी बेटी कोई खरोच तक नहीं आ सकती, याद रखिएगा। चलिए, ये लो खाना खा लो। ये लड़की खाना खाएगी या पैसों से ही पेट भरा है तेरा? बहरी है क्या? चोर की बीवी होकर इतनी अकड़? क्या कहा आपने? मैंने वही कहा जो तूने सुना। क्या आग दिखा रही है? हैं? चोर की बीवी है तू? तेरे पति ने कितने लोगों का पैसा लूटा है? धोखेबाज है तेरा पति। अगर मेरे करण के बारे में एक और शब्द बोला ना तो क्या करेगी तू? क्या करेगी? हाँ, क्या करेगी बता। रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। ये क्या करे? तेरा पति लोगों के पैसे हड़प के मर गया। तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोगों की गरीबी नहीं जाती। हमारा ये छोड़ो, बहुत शौक है ना तुझे लड़ने का। आज से दूसरे लोकअप में तू अकेली रहेगी, चल। डॉक्टर, आप लोग यहीं रुकिए। लेकिन अंकल को? अरे पर हम, मुझे जाने दीजिए ना अंदर। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। आप लोग यहीं रुकिए। मेरे पापा है डॉक्टर, डॉक्टर पापा। अपनी बैठ जाइए। आओ भाभी, आओ भाभी, संभालो भाभी। आंटी कुछ नहीं होगा अंकल। भाभी सब ठीक हो जाएगा। भाभी संभालो अपने आप को। आंटी ठीक हो जाएगी। दादी में थोड़ी परेशान सी नहीं लग रही? भानु जी। अम्मा, ओम के बारे में कुछ पता चला? कैसा है वो? अम्मा अब खामखा उसको लेकर परेशान हो रही है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे किसी को हार्ट अटैक आता है क्या? अरे पूरा ड्रामा था अम्मा, ड्रामा। और पूरी की पूरी फैमिली ढोंगी है। एग्जैक्टली दादी माँ, अब आप देखिए ना, जब इन लोगों के पास सवालों के जवाब नहीं बचे तो हार्ट अटैक का नाटक करके भागते बने। एग्जैक्टली इशिका,
जी दादी। हमारे कमरे से एक चादर लेके आओ। आज हम करण के पास ही सोएंगे और इस दिए का भी ध्यान रखेंगे। डैड, क्या दादी मां सच में काव्या की तेरी भी मनाने वाली है? रोकी बेटा, तुम्हारी दादी मां है ना, बहुत जिद्दी है। एक बार ठान ली ना तो बस वही करती है। वैसे डैड, ये मां नहीं दिख रही, कहां है? तुम्हारी मां कहां गई? मैडम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरी तनख्वाह से काट लेना। कि किस दिलदार मालकिन से पाला पड़ा था। कहाँ खोई हुई हो आप? बिना आपकी टाइमिंग हमेशा गलत होती है। इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं। ये सपना बपना छोड़ो, उधर देखो अम्मा क्या कर रही है। लाओ बेटा, अम्मा पानी पीछे। चलो दो अम्मा। वो कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पापा की टाइमिंग भी ना कमाल की है। क्या अच्छा हुआ भानु, करण हमें छोड़कर चला गया, ये अच्छा हुआ। इनके कहने का मतलब है कि इससे भी बुरा हो सकता था ना। वो तो अच्छा हुआ कि इस काव्य की सच्चाई टाइम पर हमारे सामने आ गई। माँ, वरना हम लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल देते। काव्य अपने बाप के साथ मिलकर हवेली पे कब्जा कर लेते और हम सब रास्ते पे होते। रॉकी जी, दादी माँ, तुम पंडित जी को फोन करो और उन्हें कल के पूजा के लिए बुला लो। जी। अम्मा जी, आप यहाँ इस तरह चादर बिछाकर जमीन पर सोएंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम भी आपके साथ
यही जमीन पर सोएंगे? हाँ माँ, हम भी आपके साथ सोएंगे। नहीं, ये कोई रैली है जो यहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है? कोई नहीं सोएगा यहाँ। हम ये सब करण की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हैं। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। जाइए अपने अपने कमरे में सोने के लिए। जी अम्मा जी। तुम्हें क्या अलग से बताना पड़ेगा? जाओ तुम भी सोने। नहीं, आप चाहे मुझे कितना भी डांट लो, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, फिर तू यहीं रुक जा हमारे साथ। सुनिए सुनिए, अभी तक पापा जी नहीं है और आयुष्मान भी नहीं आया। सब कुछ ठीक तो होगा ना? डॉक्टर, क्या अंकल को होश आया? नहीं, अभी उन्हें होश नहीं आया और अगले 12 घंटे उनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। देखिए, जब तक होश उनको नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। क्या हम उन्हें होश में लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आगे भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर, आप कुछ भी करके मेरे पापा को प्लीज बचा लीजिए। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर, आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं आप हमें? मेरी बेटी का सुहाग उजड़ गया, वो जेल में पड़ी है, मेरे पति की सांसें अटकी हुई है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का यही फल देते हैं आप? अब जब तक मेरे पति को होश नहीं आ जाता, तब तक मैं यहीं आपके सामने बिना कुछ खाए पिए बैठी रहूंगी। मैं भी देखना चाहती हूं कि आप और कितना बुरा कर सकते हैं मेरे परिवार के साथ। आप घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखो बाप, मत रोकिए मुझे। ये मेरे और इनके बीच की बात है। मैडम, क्या चाहिए आप? आपके फोन से एक बार मैं कॉल कर सकती हूँ? वो पापा जी अभी तक आए नहीं है मुझे लेने और मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज एक कॉल करने दीजिए। नहीं, नहीं दे सकती।
लॉकअप में अलाउड नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ, बस एक कॉल करने दीजिए। जल्दी कर, जल्दी कर। थैंक यू मैडम। फोन क्यों नहीं उठा रहे? आयुष्मान को कॉल करती हूँ। एक ही कॉल की बात हुई थी ना, प्लीज मुझे एक फोन कर दीजिए, प्लीज एक आखिरी बार। चुप कर, ड्रामा नहीं, मैं कुछ और नहीं कर सकती। सुनिए मेरी बात, सुनिए। किस्मत का कैसा खेल है अंकल, वहां काव्या बिना किसी कसूर के जेल में बंद है और आप यहां ऐसी हालत में बेहोश हैं। ऐसी हालत में आप बेहोश कैसे हो सकते हैं अंकल? अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं जाके काव्या को बचाऊं या यहां आपकी जान बचाऊं? अंकल आप प्लीज उठ जाइए, काव्या को उसके पापा की जरूरत है, आप उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए। घर की मालकिन, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही हूं मैं? थोड़ा आहिस्ते बात करिए, दादी पर आ गई तो क्या? अब इस घर की मालकिन मैं हूं और मैं किसी से डरती नहीं। घर ने इतना कर्जा लिया तो इन पैसों का क्या किया? अब चाहे जो भी किया, ये पूछने के लिए आप ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो भूल जाइए उस बात को। तुम्हारा जब दिमाग डांट, टेंशन मत लीजिए, मैं करण का असिस्टेंट दुबे को कॉल करके पूछता हूँ। अरे दुबे को बहुत फोन लगाया, लग ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। रिंग हो रहा है। काम हो गया है सर। ठीक है, कुछ पता चला? कुछ खास नहीं डैड, मगर उसे इस लोन के बारे में सब कुछ पता था। अच्छा, तो फिर उसने हमें ये बात बताई क्यों नहीं? करण ने मना किया था कि किसी को कुछ पता ना चले।
वैसे दुबे की बात से इतना तो जाहिर है, करण जितना सीधा दिखता था उतना था नहीं। पर दुबे को तो पता ही होगा फिलौर किससे ली। एग्जैक्टली तो नहीं डैड, मगर ये बंदा जो भी है बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। जो समन्स है ना, ये भी इसी आदमी ने भिजवाए। चाहे जो भी किया, अब जो हुआ सो हुआ। करण और काव्या हमारे रास्ते से हट गए, इससे अच्छी बात भला क्या हो सकती है? अब इस घर की हर चीज हमारी है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है माँ, अगर काव्या को जेल से नहीं निकाला तो ये सारा कर्ज हम दोनों को भरना पड़ जाएगा। रॉकी, ऊपरदार अगर काव्या को जेल से निकालने की बात कही तो मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। डैड, समझाइए अपनी बीवी को, ये बिजनेस अभी भी काव्या के नाम पर है, और अगर उसे जेल से नहीं निकाला तो कौन भरेगा ये सारा कर्ज? अपने बाप को ज्यादा बरगलाने की कोशिश मत करो रॉकी, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें कर्जे की नहीं बल्कि काव्या की चिंता है। हाँ है चिंता, क्या कर लेंगे आप? कान खोलकर सुन ले, अगर काव्या जेल से बाहर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताइए ना, क्या कर लेंगे आप? पर वो काव्या जेल से बाहर नहीं होनी चाहिए। मेनका, मेनका, मेनका। मैं गुस्सा ठंडा कर दूँ। I promise you, काव्या को जेल से नहीं छूटने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जेल से बाहर नहीं आनी चाहिए। Relax, relax. तुमसे कोई मिलने आया है? मुझे यहाँ से ले जाने के लिए जरूर आयुष्मान या पप्पा जी आए होंगे। रुको, ये पुलिस स्टेशन आपका ही है, आप जब चाहो आ सकते हो। और आप बेफिक्र रहो, आपका काम हो जाएगा। भागकर आई जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तुम्हारे परिवार से नहीं था क्या वो जो तुमसे मिलने आया? लगता है तेरे परिवार ने तुझसे पल्ला झाड़ लिया। किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, लगता है तुम सारी जिंदगी इस जेल में ही सड़ोगी। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।